सोच रहे हैं फाइनली पटना। फाइनली हम पटना आ चुके हैं, आज 16 दिसंबर और हम 15 दिसंबर को धनबाद से गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन लिए थे, जिसमें हमारा कोच नंबर था S7 और सीट नंबर था, बर्थ नंबर था 14। और उससे हम आज मॉर्निंग में यानी 16 दिसंबर को मॉर्निंग में हम आ गए हैं पटना, और जस्ट पटना स्टेशन के सामने एक लॉज लिए हैं, जो इस लॉज में अभी हम ठहरे हुए हैं। ये लॉज का सेकेंड फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो एसी है और सेकंड फ्लोर पे नॉन एसी है, तो हम नॉन एसी में ठहरे हुए हैं। और फिलहाल सामान वामान रख के फ्रेश हो के मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज हो चुका है, बाहर निकलेंगे तो बाहर का जायजा लेते हैं माहौल का। ये है हमारे लॉज के सामने का एरिया, पटना जंक्शन के सामने महावीर मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और बहुत ही चहल पहल है, सुबह का वक्त है। यहाँ पे आप ज़्यादातर देखेंगे स्टेशन के सामने छोला भटूरा का ज़्यादातर खाने पीने का दुकान आपको मिलेगा। ये है महावीर मंदिर जो कि पटना स्टेशन के सामने है, और इधर है पटना जंक्शन। साइड साइड में चारों तरफ सारी दुकानें हैं, बसें लगी हुई हैं जहाँ से आप अलग अलग जगह पे जा सकते हैं बसों के द्वारा, और यहाँ से आपको यातायात के साधन के रूप में टोटो ऑटो रिक्शा सारा कुछ यहाँ से मिल जाता है। अब हम चल रहे हैं फ्रेजर रोड की तरफ, ऊपर में अलग अलग जगह पे आप नेम प्लेट पढ़ सकते हैं, अलग अलग जगह जाने के लिए डायरेक्शन बना हुआ है नाम के साथ। अभी हम हैं फ्रेजर रोड में और यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क है जिसका हम एक प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं, बुद्ध स्मृति पार्क का, जो कि हम जाके थोड़ा देर वहाँ बैठेंगे। वो सामने आपको दिख रहा है बुद्ध स्मृति पार्क, और बुद्ध स्मृति पार्क से पहले जो चौक है यहाँ पे बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी आपको नारियल पानी की, और अभी सुबह का वक्त है जैसा कि अभी दुकान लगना शुरू हुआ है, और इस रोड से जब आप आगे जाएंगे तो डाक बंगला चौराहा आपको मिलेगा। हम आ गए हैं बुद्ध स्मृति पार्क के सामने और यहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे। अब हम बात करते हैं धनबाद से पटना आए क्यों हैं, यहाँ पे हम आए हैं जॉब के लिए, कुछ जगह हम पता किए ऑनलाइन और वहाँ जाके इंटरव्यू है, इंटरव्यू देना है और देखना है सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए ताकि हम पटना में बस जाए और ताकि बिहार का अच्छा अच्छा ब्लॉग आपको दे पाए। जैसा कि अभी हम पटना में हैं तो हम चाहेंगे कि पटना के हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, हमारे यूट्यूब फैमिली है, वो हमसे मिले। अगर कोई भी पटना से हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके, हमारा इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यहाँ का जो बुद्ध स्मृति आप पीछे देख सकते हैं पार्क जो है, यहाँ का प्रॉपर वीडियो है हमारे चैनल पर, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देखिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब हम जा रहे हैं अपने रूम पे, थोड़ा आराम करना है क्योंकि रात में आने के बाद सुबह को फ्रेश होकर तुरंत हम बाहर निकल गए थे। ये वीडियो हम बनाना ज़रूरी समझे क्योंकि ज़रूरी था आप लोगों को अपडेट देना कि हम पटना आ चुके हैं, अब लगातार यहाँ का ब्लॉग देखने को मिलेगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो ब्लॉग में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।